नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं अद्भुत है, अकल्पनीय है, लेकिन 100% सच है। लेकिन सरकार कोर्ट और कानून के नाम पर एक जोरदार तमाचा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रेप के आरोपी स्वामी नित्यानंद की। भारत से फरार होने में कामयाब होने के बाद उसने फिर से एक धमाका किया है। उसने साउथ अफ्रीका पर अपने लिए एक देश खरीदा है और नाम रखा है कैलासा। उसके देश का अपना संविधान है और अपना कानून है। उसके यहाँ सांसद भी होंगे और संसद भी होगी, यानी हिंदुस्तान का अपराधी और भगोड़ा एक स्वतंत्र देश का मालिक बन बैठा है। इस देश ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी जानकारी दी गई है, जैसे यह एक महान हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं की विरासत को संरक्षित और विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। नित्यानंद ने अपना यह देश इक्वाडोर से एक आइलैंड खरीद कर बनाया है। आइलैंड खरीदने के बाद उसने अपने इस आइलैंड का नाम कैलासा रखा है। लड़कियों के साथ अयाशी के वीडियोस वायरल होने के बाद विवादों में घिरे इस स्वामी ने प्राइवेट आइलैंड पर बसाए गए अपने अलग देश के लिए नेशनल झंडा, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय वृक्ष आदि भी घोषित कर दिए हैं। यह देश वेस्ट इंडीज के त्रिनिदाद एंड टैबोगो के पास है। नित्यानंद ने अपने इस देश की वेबसाइट पर नियम कानून, संविधान और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की भी जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक नित्यानंद ने इस आइलैंड को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। वेबसाइट पर सार्वजनिक घोषणा के जरिए महानतम हिंदू राष्ट्र कैलासा की नागरिकता हासिल करने के लिए डोनेशन का भी आह्वान किया है। इतना ही नहीं, वेबसाइट पर बताया गया है कि कैलासा देश की परिकल्पना अमेरिका में की गई थी। इसे सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। वेबसाइट पर लिखा गया है कि उनका मिशन हिंदू धर्म की रक्षा करना और मानवता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। स्वयंभू बाबा नित्यानंद की तारीफ में भी इस वेबसाइट पर काफी कुछ लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि नित्यानंद कैलाशा को फिर से जीवित करने वाले साधु हैं। उसकी वेबसाइट पर दावा किया गया है कि कैलाशा बिना सीमाओं का एक देश है, जिसे दुनिया भर से बेदखल किए गए हिंदुओं में बसाया गया है, जिन्होंने अपने ही देशों में प्रमाणिक रूप से हिंदू धर्म का अभ्यास करने का अधिकार खो दिया। इस देश का अपना एक पासपोर्ट है और नित्यानंद ने पहले ही इसका एक ऑनलाइन सैंपल भी डाला है। नित्यानंद लोगों को अपने देश का नागरिक बनाने के लिए आमंत्रित भी कर रहा है। वेबसाइट के मुताबिक यह नया देश एक मंदिर आधारित परिस्थितियों के साथ तीसरी आंख के पीछे का विज्ञान, योग, ध्यान और गुरुकुल शिक्षा पद्धति का भी दावा करता है। इतना ही नहीं, यह देश सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं और मुफ्त शिक्षा, मुफ्त भोजन और एक मंदिर आधारित जीवन प्रणाली देने की बात भी कहता है। नित्यानंद अब लोगों को अपने देश का नागरिक बनने के लिए आमंत्रित कर रहा है। साथ ही इसे चलाने के लिए वह लोगों से दान भी मांग रहा है। आपको बता दें कि नित्यानंद, जिसका असली नाम है राजशेखरन है, वह तमिलनाडु का रहने वाला है। वह साल 2000 में बेंगलुरु के पास एक आश्रम बनाने के बाद प्रभावशाली हो गया था। उसके ज्यादातर भाषण कमोबेश आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश के विचारों पर ही आधारित होते हैं। 2010 में नित्यानंद तब खबरों में आ गया था जब उसका एक एक्ट्रेस के साथ आपत्तिजनक हालत में वीडियो वायरल हो गया था। बाद में उस पर रेप के आरोप लगे थे और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस के अलावा एक अन्य रेप केस में भी उस पर चार्जशीट दाखिल की गई थी। एक सेक्स स्कैंडल और उसके अहमदाबाद के पास के आश्रम में लड़कियों के कथित शोषण की खबरों के बाद कुछ महीनों पहले गुजरात पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि नित्यानंद भारत में उपलब्ध नहीं है। कर्नाटक पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नित्यानंद 2018 के अंत में अपनी जमानत का फायदा उठाते हुए देश से भाग निकला। उसका पासपोर्ट सितंबर 2018 में ही एक्सपायर हो चुका है और स्थानीय पुलिस ने उसकी इसके रिन्यूअल की रिवेस्ट को भी खारिज कर दिया था। गुजरात पुलिस की ओर से नित्यानंद को ढूंढने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो अभी तक इस इंटरपोल से संपर्क नहीं किया गया है। देश से भागकर नित्यानंद ने इस हिंदू राष्ट्र को बनाया है। नित्यानंद के इस देश का अपना पासपोर्ट, झंडा, सरकारी डिपार्टमेंट, स्कूल, सब कुछ है। इसके साथ ही हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म और उससे जुड़ी कई बातों को वेबसाइट पर उतारा गया है।
गौरतलब है कि स्वयंभू भाभा नित्यानंद पर कर्नाटक में रेप और किडनैपिंग का केस दर्ज है, तो वहीं गुजरात में उत्पीड़न को लेकर केस दर्ज है। वहीं कुछ दिन पहले नित्यानंद के विदेश चले जाने के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा था उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। गुजरात पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि नित्यानंद फरार है और भारत में नहीं है। हम आपको कैलाशा देश के बारे में जानकारी दे देते हैं। इसमें किसी एक देश की तरह तमाम सरकारी पदों पर लोग नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सेना प्रमुख जैसे पदों को शामिल किया गया है। नित्यानंद ने अपने एक करीबी अनुयायी मां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वेबसाइट पर संविधान और सरकारी ढांचे की जानकारी दी गई है। कई सारे मंत्रालय, विभाग और एजेंसियां बनाने का दावा है। नित्यानंद ने अपने देश का अलग झंडा भी बनाया है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल और राष्ट्रीय पेड़ जैसी चीजों को ऐलान भी किया है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ नागरिकता बनाना चाहता है तो डोनेशन देकर वहां रह सकता है। वेबसाइट में बताया गया है कि कैलाशा एक गैर राजनीतिक देश है और मानवता उसका मकसद है। इस देश का अपना एक पासपोर्ट है और नित्यानंद ने पहले ही इसका एक ऑनलाइन सैंपल भी डाला है। दो रंग में अलग अलग पासपोर्ट बनाए गए हैं, एक सुनहरे रंग का और दूसरा लाल रंग का। झंडे का रंग मैरून है। इस पर दो चिन्ह दर्शाए गए हैं, एक सिंहासन पर नित्यानंद और दूसरे पर एक नंदी है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।